हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आज मैं आपको करवाऊंगा सीरीज कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स, और इसके बाद करवाऊंगा पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वीडियो आने वाले हैं। तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखते हैं सीरीज कनेक्शंस कैसे होता है रेजिस्टेंस का। तो ये देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, किसी भी यानी कि नेटवर्क थ्योरी में हमारा क्या होता है, ये सर्किट, ये सीरीज कनेक्शंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सीरीज कनेक्शंस हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस लेट R1, R2 एंड R3। तीन रेजिस्टेंस मैंने माने हैं इंडिविजुअली, तीन रेजिस्टेंस मैंने मान लिए। तो क्या करना है, इनको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ना है। यानी R1 रेजिस्टेंस ये है, R2 ये है और R3 ये है। मैंने बोला है एंड पॉइंट फर्स्ट का R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। मैंने बोला है एंड पॉइंट जोड़ना है, एंड पॉइंट जोड़ना है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया दोस्तों। किसी भी रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन जोड़ना। मान लेते हैं इसमें हमने जो वोल्टेज लगाई है वो मान लेते हैं V है। यहां पर हमने वोल्टेज जो लगाई है वो V मान लेते हैं। याद रखें जो सीरीज कनेक्शंस होते हैं उनमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो I करंट मान लेते हैं यहां पर, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिफरेंस होता है। हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस रहता है दोस्तों, और करंट क्या रहता है, सेम रहता है। बल्कि पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। ये याद रखने की बातें हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो R1 का जो ड्रॉप है वो क्या है, V है। V1 मान लेते हैं, ये V2 मान लेते हैं और V3 मान लेते हैं। ये हमने मान लिया V1, V2 और V3 मान लिया दोस्तों। तो अब क्या करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें जो हमारा ये V है, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो किसके बराबर है दोस्तों, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1, V2 और V3 क्या है, इंडिविजुअली ड्रॉप है R1 में, R2 में और R3 में ड्रॉप है दोस्तों। तो क्या है इनकी वैल्यू, हमें पता है ओम्स ला से पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। ये I है हमारा करंट और ये R है जो ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो हमें निकालना है इस केस में। तो यहां से V की वैल्यू कितनी है, इस V की वैल्यू है I इंटू R। I है यहां पर करंट और R है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और V1 यहां से अगर हम यहां देखें, करंट तो सेम है इस पर्टिकुलर एरिया में, करंट सेम है और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है, प्लस V2 यहां पर ड्रॉप हो रहा है, V2 I2 में ड्रॉप है। तो I2 में कितना करंट, R2 में कितना करंट है, सॉरी R2 में करंट है I और रेजिस्टेंस कितना है R2 प्लस, करते हैं हम R3 में देखते हैं कितना करंट है, I करंट है और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है R3। ये हमारा इक्वेशन बन गई दोस्तों। यहां से अगर मैं R की बात करूं, अगर मैं यहां से I कॉमन ले लेता हूं तो R की वैल्यू कितनी बचती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं वे हमेशा एड अप हो जाते हैं। यानी कि हमने यहां किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये हमारा R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यह निकालने के लिए मैंने क्या किया है, R1 को जोड़ा है, R2 को जोड़ा है और R3 को जोड़ा है दोस्तों। ये मैंने किया है, ये हमारा
इसकी डेविएशन है सीरीज कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस की। थैंक यू। अगर हम करंट की बात करें सीरीज कनेक्शंस में, तो करंट कैसे निकालते हैं? आई करंट मैंने बताया था सभी में इक्वल होता है करंट, और टोटल वोल्टेज अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी कि आर टू और आर थ्री लिया था मैंने, तो आर थ्री तक टोटल, और कितने भी रेजिस्टेंस हो सीरीज में हो तो अप टू आर एन तक भी ले सकते हैं, कितने भी हो। ये हमारा करंट का फार्मूला था। अगर मैं पावर की बात करूं, रेजिस्टेंस में पावर, अगर पावर, पावर हमें पता है क्या होती है, पावर पावर होती है आई स्केयर आर, आई स्केयर आर, करंट तो सेम है तो आई स्केयर और आर कितना है, आर वन, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, मैंने वहां तीन लिए थे तो इसलिए मैं आर थ्री तक ले रहा हूं, तो ये हमारी पावर होती है। और अगर मैं बात करूं, और पावर का एक फार्मूला और है आई इंटू वी आर वन प्लस वी आर टू प्लस वी आर थ्री। दोस्तों ये इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप है, इंडिविजुअली वोल्टेज ड्रॉप है आर वन रेजिस्टेंस में, आर टू में और आर थ्री में, तो ये फार्मूला हमारा पावर के लिए ड्राइव हुआ है हमारे सीरीज कनेक्शंस में। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और कृपया मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल मंत्रा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे